आज की रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा। उसके लिए लिया है मैंने दही और मैं दही की लस्सी बनाऊंगी। उसमें ऐड करूंगी बेसन। मिक्सचर को ब्लेंड करने के बाद ऐड करूंगी हल्दी और नमक। तड़का सबसे एंड में लगेगा, इसलिए कढ़ाई में सारा मिक्सचर डाल के इसको अच्छे से चलाते रहें ताकि बेसन अच्छे से घुल जाए। कंटिन्यू चलाते रहेंगे हम। जब तक कढ़ी को बॉईल आता है हम रेडी करते हैं पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने ये मिक्सचर रेडी किया है। मिक्सचर के लिए लिया है मैंने आलू, धनिया, प्याज और ऐड करूंगी हल्दी, रेड चिल्ली और कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद जीरा, नमक, थोड़ा सा पनीर ऐड किया है मैंने इसमें। अच्छे से रेडी करने के बाद पैन में लेंगे ऑयल और ऑयल में अब हम शुरू करेंगे पकौड़े बनाना। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कढ़ी अच्छे से पक गई है, तो हम रेडी करेंगे कढ़ी का तड़का। सूखे मसाले ऐड किए मैंने। अब मैं ऐड करूंगी प्याज, अदरक, कड़ी पत्ता और लहसुन। लाल मिर्च ऐड की है मैंने। कढ़ी को तड़का लगाएंगे। अब कढ़ी में तड़का ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह चलाना है। कढ़ी रेडी होने के बाद पकौड़े ऐड करेंगे। चलिए आज की रेसिपी रेडी है, कढ़ी पकौड़ा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।